वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रिव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। साथ में आपने देखा होगा कि इनके स्प्लैश वाले की इफेक्ट है जो काफ़ी ऑसम लग रही है इस वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन को आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको प्लस की आइकन पर क्लिक कर लेना है। देन 9:16 की साइज़ को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर ब्लैक ऐड कर लेना। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम टैप कर लेंगे। ओके, पहले यहाँ पे म्यूज़िक को ऐड करेंगे। उसके लिए प्लस में आएंगे, मीडिया में आएंगे, और यहाँ से गाइज मैं अपनी गैलरी में आता हूँ, और गैलरी से गाइज यहाँ से उस वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ जिस वीडियो को अभी आपने प्रीव्यू में देखा होगा। तो फाइनली यहाँ पर उस वाले सॉन्ग को ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को मैं टैप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसी वीडियो को टैप करूँगा और पहले गाइज थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये हार्ट वाली जो है इफेक्ट कितना दूर तक रहेगा, इसकी ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देता हूँ। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ तक, इसके बाद में ख़त्म हो जाता है। अब इसी को टैप करेंगे वीडियो को, एक बीट मार्क आपने यहाँ पर पहले लगा लेना है ताकि आपको पता रहे कि भाई हार्ट वाली सिंबल जो है यहीं तक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टैप करना है अपनी वीडियो को, और वीडियो को टैप करने के बाद में 3 डॉट के ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर में, इसको टैप कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए, तो इसकी सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा। अभी वीडियो को टैप करके डिलीट कर लीजिए। ओके, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, और यहाँ से गाइज कलर फिलहाल के लिए वाइट ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर मैं ई टाइप कर लेता हूँ स्मॉल लेटर में। और यहाँ पर रोबोट रेगुलर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक फॉन्ट मिलेगा, ये वाला देख सकते हो, हार्ड डुअल नाम का फॉन्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको ऐड कैसे करना है देखूँ, जो भी फॉन्ट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहले डाउनलोड कर लेना, और व्यू ऑल फॉन्ट्स के ऑप्शन में टैप कर लेना है। 3 डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे आइएगा, और जिस फाइल यानी जिस गैलरी में, जिस फाइल में आपके वो फॉन्ट होगा ना, सिंपली उस फाइल में आपको आ जाना है और सिंपली फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फॉन्ट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और ऐड होकर यहीं पर आ जाएगा। मैंने बहुत सारा फॉन्ट को ऐड कर रखा है इसलिए यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको नेम को सर्च कर लेना है। जैसे लिखोगे यहाँ पर देख सकते हो, तो ये वाला फॉन्ट है, सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो चेंज करना चाहते, जैसे कि इसको हटा के कुछ और लिखोगे तो कुछ और आ जाएगा, पहले साइज को बढ़ा लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहां पर मैं ई डाल के थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूं, इतना कर लेता हूं। ठीक है, इतना करके इसकी ड्यूरेशन को मैं यहाँ तक फिलहाल के लिए एंड तक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, इसको टैप करना और मूव एंड ट्रांसफर में आकर देखो ये वाला ऑप्शन देगा। तो एक बार जैसे आप टैप करो, देखो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, देखो यहाँ पर अभी देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको खींच के लाना है बीच में, देखो आपको बस बीच में रखना है इसको, और एक बार ऐसे टैप कर देना है तो ये बीच में ही रहेगा। बस यहाँ पर अब इस वाले जूमिंग वाले ऑप्शन में आना, एक प्लस यहाँ लगाना है, एक एंड में जाके लगा देना है, और स्टार्टिंग में आके ना आपको कुछ इस तरीके से इसको ज़ीरो कर लेना है, पूरा ज़ीरो कर लीजिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं वैल्यूम को म्यूट कर लेता हूँ ताकि गाइस आप लोगों को म्यूज़िक सुनाई ना दे, ठीक है, मुझे भी तो भाई यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से आएगा गाइस हमारी हार्ट वाली सिंबल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर एक बस एंड में पहले एक इफेक्ट ऐड कर लो। इसके लिए क्या करना है, इफेक्ट में आना है और एड इफेक्ट पे आना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डायरेक्शनल ब्लर, तो इसको हम टैप कर लेंगे डायरेक्शनल ब्लर को, और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे। अब इस स्ट्रेंथ को ज़ीरो करना है, एक प्लस यहाँ लगा सकते हो और एक एंड में जाके आपको लगा देना है, और स्ट्रेंथ को ऐसे करके इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा मैं इसको इधर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा गाइज हमारी देख सकते हो हार्ट वाली। ठीक है, अभी एंड में मैं एक इफेक्ट आपको बताऊंगा जो फ्रैक्टल वर्प वाला है, वो इस पर ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लो वाली इफेक्ट भी है, तो भाई इसको टैप करेंगे, पहले इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, और यहाँ पर आपको पहले सर्च कर लेना है ग्लो। ठीक है, और इसको टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर रेडियस को इतना ही रह देना है, बस अल्फा को यहाँ पर हमने कर लेना है 30 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे जाते हैं पहले भाई,
और ऐसे करके आपको अल्फा का 30 कर लेना है और हार्डनेस को कम कर लेना है और इसको यहाँ पर 10 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से 0.10 कर लेंगे और यहाँ पर कलर में आकर मैं वाइट कलर को ऐड कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन ही रहने देना। तो देखो कुछ इस तरीके से ग्लो वाली इफेक्ट इसमें ऐड हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर इफेक्ट में आके ग्लो में आओगे तो हार्डनेस को और इंक्रीज करना चाहते हो तो देखो कर सकते हो यहाँ पर, और जितना ग्लो देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अभी एंड में एक और इफेक्ट रह गया वेव वर्क। पहले हम इमेज और लिरिक्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे वो इफेक्ट को ऐड करना है। अभी पहले प्लस पे आएंगे और यहाँ पर गाइज मीडिया में आके उसके बाद में गाइज गैलरी में आएंगे और गैलरी से यहाँ से फिलहाल के लिए एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जो यहाँ से इस वाले फोटो को मैं टैप करके ऐड कर लिया हूँ। मूव एंड ट्रांसफर में आके फोटो को कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन करके यहाँ पर सेंटर में लगा लेना है अपने। और यहाँ पर जो भी सॉन्ग रहेगी ना उसकी लिरिक्स को आपको गूगल में पहले जाकर सर्च कर लेना है और लिरिक्स को कॉपी कर लीजिए। मैंने पहले से एक वेबसाइट को ओपन करके रखा है, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ लिरिक्स को और अपने इस प्रोजेक्ट में आएंगे, ठीक है। पहले सॉन्ग को आपको सुन लेना है, जैसे कि मैं देखो ये जो सॉन्ग की ड्यूरेशन मैं इतना रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन इतना कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बीट मार के लगा लेंगे, ठीक है। बाकी आगे और भी अगर आएगा तो अभी लगाएंगे। अभी पहले फोटो पे टैप करेंगे और इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेना आपको कलर, कुछ इस तरह के कलर टेम्परेचर ये वाला ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट, इसको टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कीजिए। टेम्परेचर को आपको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करना है, देखो यहाँ पर। तो जितना आप यहाँ पर कम करोगे उतना गाइस रेड या ब्लू यानी कि येलो सारा कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने देखते तो 90K कर दिया है, ठीक है, 90,000K कर दिया है यहाँ पर। और स्ट्रेंथ को इतना ही रहने देना, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो गाइस, ठीक है। इतना करने के बाद हम इफेक्ट में आकर फिर एड इफेक्ट पाएंगे। इस बार सर्च कर लेंगे फ्रैक्टल वर्प, इसको टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कीजिए, फ्रैक्टल वर्प को टैप कीजिए, ठीक है। ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन, इसको टैप करेंगे और एक प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाएंगे एक्स में आके और एक इसकी एंड में जाके आएंगे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर टैप कर लीजिए और यहाँ पर आपको कर लेना है 270 कर लेना है, ठीक है, और डन कर लीजिए। और नीचे यहाँ पर वाई पे आइए और वाई पे टैप कीजिए और यहाँ पर हम करीब 700 करके यहाँ पर इसको भी डन कर लेंगे, ठीक है। अब मैग्नो ट्यूब है गाइस, तो मैग्नो ट्यूब को यहाँ पर कम कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको कम कर लेना है, ठीक है। डिटेल को यहाँ पर 1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इंक्रीज कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है, तो इतना कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो स्क्रीन स्पेस को पूरा फुल कर यानी कि इनेबल करके और ये जो ऑक्टेवस है इसको आपको पूरा फुल कर लेना है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए हमें शो हो रहा है। बस यहाँ पर डिटेल अगर देखो जैसे कि फेस वगैरह पर थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है तो डिटेल को आप इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। देखो हमारे यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब इसी को टैप करना है 3 डॉट पे और कॉपी इफेक्ट कर लीजिए और जो हमारी जो ये वाला जो ये है हार्ट वाली सिंबल इसको टैप करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए। तो देखो हमारी सिंबल पे भी गाइस कुछ इस तरीके से फ्रैक्टल वर्प वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है, देख सकते हो। देन यहाँ पर हमारी इमेज पे भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब पहले लिरिक्स को लिख लेंगे, तो उसके लिए प्लस पे आके टेक्स्ट पे आएंगे और लिरिक्स की जो पहली वर्ड होगा उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहली वर्ड था लफ्जों, तो इसको पेस्ट करके बाकी के वर्ड को कॉपी करूंगा। कलर में आके यहां पर जो कलर आपको अच्छा लगता है ऐड कर सकते हो और इसको मैं डार्क कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं इधर ये वाला कलर करूंगा, ठीक है, रहने देता हूं। अभी रोबोट और रेगुलर में जाके यहां पर ब्लैक स्वॉर्ड नाम का फॉन्ट है इसको ऐड कर लेंगे और इसकी साइज को हम ऐसे करके इंक्रीज करेंगे और यहां पर रख लेता हूं मैं, ठीक है, स्मॉल लेटर करके साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। और यहां पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहां पर शैडो को टैप करके इनेबल करके बस छोड़ देना है, ठीक है। बाकी कलर यहां पर जो आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग कम लगा सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद में क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पर फिर से आपको प्लस पे इसी लिरिक्स को टैप करके प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर पे टैप करके एक लेयर कॉपी करके नीचे रख लेना। अब एडिट में आके गाइज इसको क्या करना है, रिमूव करके यहाँ पर जो वर्ड है आपके यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। बाकी के वर्ड्स को हम फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से कलर वाले ऑप्शन में आके वाइट कलर ऐड कीजिए। और अब जो है यहाँ पर मैं रोबोटो बोल्ड नाम का लेमन मिल्क बोल्ड जो है ये फॉन्ट को मैं ऐड कर लेता हूं और इसकी साइज को ऐसे करके हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर इसकी ड्यूरेशन यहां तक करेंगे। इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आके यहां पर सर्च कर लेंगे टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है, और यहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन करके इसकी थोड़ी सी स्पेस को इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से,
ठीक है। अब यहाँ पर पहले फिर से एक टैप करेंगे और प्लस में आके यहाँ पर फिर से डुप्लीकेट लेयर करेंगे। अब नीचे की तरफ इसको लाएंगे, एडिट में आके गाइस इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इमोजी वाले ऑप्शन में आके कुछ इस तरीके से इमोजी को ऐड करेंगे। कलर में आके इस वाले ऑप्शन को टैप करके नीचे की तरफ खींच लोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस रोबोट ट्रेलर में जाके यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा iOS 13, तो ये वाला फॉन्ट भी मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी यहाँ पर साइज को आप छोटा बड़ा करके जितना भी रखना चाहते हो करके यहाँ पर डन कीजिए और यहाँ पर आप लगा लो, ठीक है। अब आपको गाइस सॉन्ग को प्ले कर लेना है और देख लेना जितना ये जो हमने लिरिक्स लिखा हुआ है ना वो कहाँ तक है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कहाँ तक है तो वहीं पे आपको एक बीट मार के लगा लेना है। तो मेरा जो है ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है, तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ और सब को यहाँ पर पहले सेलेक्ट करके यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक लिरिक्स हमारी क्रिएट हो चुकी है, अभी इफेक्ट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले इस वाले लिरिक्स पर टैप करेंगे और बॉर्डर एंड शैडो में आएंगे, एक प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाएंगे, एक एंड में लगाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले में जाकर मैं इस तरफ कर लूंगा, ठीक है, इस तरफ करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना। और इधर आएंगे कर्व में आके कुछ इस तरीके से आपको कर्व दे देना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर इफेक्ट में आके एडी इफेक्ट पे आएंगे और इस बार सर्च कर लेंगे मोशन ब्लर, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लीजिए। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है। हम नीचे यहाँ पर टैप करेंगे लिरिक्स पे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और इस बार हम सर्च करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे इसको टैप करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे, रेंज में आ जाना है और यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, एक प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा के एक एंड में लगा देना है और इसको पूरा फुल कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये फुल हो चुका है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आ जाना है और लेटर की जगह यहां पर वर्ड सेलेक्ट कर लेना है और ऑफ साइड को यहां पर 50 कर लेना है, ठीक है। एक्स जो है इसको 50 कर लीजिएगा और एंगल यहीं रहने देना है। बस यहां पर आपको अल्फा वाले ऑप्शन में आके इसको माइनस पूरा कर लेना है, -1 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो ये जो है ईजिंग का जो भी है, तो यहाँ पे ईजिंग जो है ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो है इसको आपको 0 पूरा 100 कर लेना है और ईजिंग आउट जो है यहाँ पर आपको पूरा -100 कर लेना है। तो ईजिंग इन आपको 100 करना है प्लस और ईजिंग आउट जो है आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस आपको बस यहाँ पर इतना ही करना है, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी लिरिक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर देखो फिर से आना है प्लस में और टेक्स्ट पे, सॉरी यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं भाई मिस्टेकली, प्लस में आएंगे, मीडिया में आएंगे, जो फिर से आप यहाँ पर इमेज ऐड करोगे उसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर पहले तीनों लिरिक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके प्लस में आकर कॉपी लेयर कर लो और 3D डॉट पर आकर पेस्ट लेयर कर दो, ठीक है। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी इमेज पर टैप करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए, सॉरी पहले यहाँ पर इफेक्ट को कॉपी कर लो लिरिक्स फोटो पे आके, इफेक्ट में आके कॉपी इफेक्ट और यहाँ से गाइस टैप करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट, ठीक है। और फिर से आपको जितना भी लिरिक्स लिखना है लिख लीजिएगा, यहीं पर टैप करके एडिट में आके लिख लेना होगा। और गाइस जहाँ तक इसकी ड्यूरेशन होगा बस वहीं तक आप जाके यहाँ पर इसको जैसे ऐसे करके क्लिक करके एंड तक कर लेना है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको बार बार यहाँ पर टैप करते जाना है, प्लस में आना है, जो इमेज है उसको ऐड करके फुल स्क्रीन कर लीजिए और इफेक्ट में आके 3D डॉट पर पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए। इसकी ड्यूरेशन जितना रखना चाहते हो रख के यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को एंड तक करना है, फिर प्लस में आके पेस्ट क्लियर कीजिए और जो लिरिक्स रहेगा आपको लिख लेना है और अपने अकॉर्डिंग सुन सुन के गाइस आपको जितना रहेगा वहाँ पर क्लिक करके एंड तक कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करते जाना है, लिरिक्स को सुनते जाना है और लिखते जाना है। तो गाइस इतना जब हो जाएगा तो यहां पर एक आपको इंक स्प्लैश वाली टैंपलेट को ऐड करना है, उसके लिए प्लस में आइए, मीडिया में आइए और उसके बाद में गाइस यहां पर मैं अपनी गैलरी में आता हूं और गैलरी से गाइस यहां से एक इंक स्प्लैश वाली टैंपलेट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो सिंपली इस वाले टैंपलेट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी मटेरियल मैंने यूज किया है सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इजीली जाके एक एक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस टैंपलेट को ऐड करने के बाद में पहले मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको रोटेट कर लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मेरे को रोटेट करना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग में आ जाऊँगा, ब्लेंडिंग ओपासिटी में, लाइटन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल करेंगे और जो इमेज पे है इसको टैप करेंगे, इफेक्ट में आके कॉपी इफेक्ट करेंगे
और बस यहाँ पे इफेक्ट में आ जाना है आपको, टैंपलेट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। बस यहाँ पे फ्रैक्टल वर्ब को डिलीट कर देना है, बाकी इसको आप कम और करना चाहते हो येलो तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को टैप करके रखना है इंक स्प्लैश वाले टैंपलेट को, और यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना, जहाँ फिर आपको पेस्ट करना है बीट मार्क पर चले जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, यानी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेस्ट लेयर, फिर यहाँ पे आओगे पेस्ट लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बार मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो गाइज बहुत ईजिली कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बस यहाँ पे शेयर पर टैप करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना।